घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खेत में फसल की पैदावार बढ़ाने की जुगत में डाली गई दवाई किसान के लिए बर्बादी का सबक बन गई है। मामला पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम खरवा गांव का है, जहां किसान राकेश पिता मानसिंह ने कलेक्टर को एक आवेदन दिया, जिसमें किसान ने बताया कि उसकी 26 एकड़ की भूमि है जिसमें उसने चने की फसल लगाई थी। फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान द्वारा खंडवा के महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से भवानी माता रोड से खंडवा से दवाई खरीदी थी। दवाइयां डालने के पश्चात किसान की 26 एकड़ में लगी चने की फसल पूरी नष्ट हो गई, जिसके पश्चात ग्राम सेवक और सरपंच द्वारा पंचगण की मौजूदगी में उसका पंचनामा बनाया गया। अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए दवाइयां खरीदी थी जो कि दुकानदार द्वारा गलत दवाई दे दी गई है, जिसके चलते किसान की चने की फसल पूरी खराब हो चुकी। किसान ने कलेक्टर को इसका आवेदन दिया, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत जांच के निर्देश दिए। इस मामले में पीड़ित किसान और किसान संघ के नेता सुभाष पटेल और कृषि अधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। सर जी, ये महेंद्र कृषि सेवा केंद्र खंडवा से दवाई खरीदी गई थी। ये रोगोर कंपनी की इल्ली लग गई थी हमारे खेत में, तो इल्ली के लिए लाए थे और वो टैनिक लाए थे उसी कंपनी का। कौन सी फसल? ये चना के लिए, और ये 26 एकड़ में चना थे जिसमें 14 एकड़ के मतलब वो डॉलर चना बोए थे और बाकी के 2 से 4 थे और पूरे नष्ट हो गए। करीब मेरा 250 कुंटल चना पैदा होने के थे और ये जमीन मैंने लीज पे ली थी। बाबा जी को हर साल 4 लाख के समथ 4 लाख रुपए देता हूँ मैं लीज के 11 महीने खोट के लिए, और मेरा पूरा नुकसान हो गया। खाद बीज पूरा नष्ट हो गया, बोने का टाइम भी नहीं है। और चना की उम्र 45 दिन की उम्र होगी थी, 20 अक्टूबर को हमने बोए थे और 22 को बोए थे। आपने कहाँ शिकायत दर्ज करी थी? हमने ग्राम सेवक अपने कृषि अधिकारी उनको बुलाया था, शिकायत करी थी। हाँ, पहले दुकान वाले से बोला तो दुकान वाले तो बोला कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो छीट दो वो छीट दो, जबकि चना की फसल क्या छीटने, पूरी नष्ट ही हो चुकी थी वो मौके पे, साहब ने देखा तो। इसके बाद ग्राम सेवक जी आए, उनने मौके पर आके खेत उनका जायजा लिया तो उनने भी यही बोला कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। तो फिर हम कलेक्टर साहब के ऑफिस में गए तो कलेक्टर साहब ने डीडी साहब को बुलाया हुआ चैम्बर में, तो कलेक्टर साहब से बोला क्या कि इनका सुबह 11 बजे के पहले पहले जाके इनका खेत का अवलोकन करो और पूरी टीम को ले जाना, वैज्ञानिक लोगों उनको भी ले जाना, जबकि सर वैज्ञानिक भी साथ में नहीं लाए। और इसके बाद में अब मैं चाहता हूँ मेरी किसान का, मेरा जो 26 एकड़ का जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट रेट के हिसाब से मेरे को मेरा भरपाई की जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा यहीं पे इस वक्त दवा पी के। मेरा नाम है मानसिंह परमार, ये हमारे खरवा के किसान है। इन्होंने 26 एकड़ में चने की फसल लगाई थी। अब इल्ली मार का तो आज तक कभी सुना नहीं कि उससे कोई ज़्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन इनके खेत में अब जब हमने देखा तो चने के साथ में चारा भी जल गया है। तो डीडीएस साहब, कृषि विभाग की टीम भी है, उनसे यही मांग करेंगे कि उसकी जांच की जाए, केमिकल में दिक्कत है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि किसी और किसान के साथ ऐसी घटना न घटे। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई लाए तो उसमें बहुत सारे केमिकल साथ में नहीं लाए, और कम से कम किसी विशेष कृषि विज्ञानी का किसी की सलाह लेकर ही डाले, क्योंकि बहुत मुश्किल से फसल पैदा होती है किसानों को, और किसान के साथ में न्याय होना चाहिए। किसान को धमकी दे रहा है दुकानदार, उसके बारे में क्या? नहीं, किसान के साथ में खड़े हैं ना, कोई भी धमकी उमकी से किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी दादा बहादुर हो गया सबसे निपट लेंगे। आपका परिचय दीजिए। सुभाष पटेल, भारतीय किसान संघ, जिला उपाध्यक्ष। क्या मामला है ये? देखिए, ये खारवा के किसान है राकेश, और इन्होंने महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से दवाई और जिब्रिक एसिड खरीद कर जो है वो अपने चने की फसल में स्प्रे किया था, और ये अभी हमने निरीक्षण किया तो उसमें वो जो चने की फसल वो सूखते हुए ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है। तो कल जो है वो इन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत करी थी
तो जिसकी सूचना मिली हमें निरीक्षण के लिए आए हैं, और कल फिर एक टीम आएगी वैज्ञानिकों की, क्योंकि आज जो कॉलेज में एग्जाम चल रही थी वो नहीं आ पाए थे। तो वर्तमान में जो है वो इनके जो किसान के कथन ले लिए गए हैं, और अभी किसान संबंधित किसान को ही लेके हम जा रहे हैं, और जिस दुकान से उन्होंने जिस बैच का दवाई ली है उसका सैंपल ड्रा करेंगे, और ड्रा करके सैंपल जो है लैब में भेजेंगे, और टेस्ट रिपोर्ट क्या आती है, टेस्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज़, उसी बैच की दवाई हम लेके अन्य किसानों के यहाँ पे भी, जो अन्य किसानों ने भी ली है, उनके खेतों का भी निरीक्षण करेंगे, और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उस दवाई का और छिड़काव करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर वास्तव में वो दवाई इस तरह से फसल पर प्रभाव डाल रही है तो संबंधित दुकानदार पे और कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के, बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग